वर्तमान युग की मानव निर्मित त्रासदी कोरोना वायरस, लेखक वैद्य पवन ईश्वर तिजारे। आज के आधुनिक युग में हर साल एक नया विषाणु संक्रमण मानव जीवन के लिए संकट बनकर खड़ा हो रहा है। वर्तमान युग में यह कोरोना नाम से प्रस्तुत हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसे कोविड-19 नाम दिया है। यह चीन से शुरू होकर पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैल रहा है। अभी तक इस विषाणु को नष्ट करने वाली कोई दवाई नहीं आई है। आधुनिक विज्ञान इसके सामने लाचार होता दिखाई दे रहा है। जागतिक स्वास्थ्य संगठन WHO भी केवल बचाव के लिए सूचना जारी करते दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको नष्ट करने की दवा बनाए जाने की बात चल रही है, पर क्लिनिकल ट्रायल अभी बाकी है। समस्या कितनी भी जटिल क्यों न हो, उसका समाधान किया जा सकता है। इस समस्या का भी समाधान भारतीय जीवन शैली और भारतीय चिकित्सा पद्धति से अवश्य किया जा सकता है। भारत हमेशा से ही विश्वगुरु रहा है। भारत की जीवन पद्धति, जीवन शैली और चिकित्सा पद्धति हमेशा से ही वैज्ञानिक रही है। भारतीय संस्कृति में हर समस्या का समाधान मिलता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। वसुधैव कुटुंबकम यह भारतीय संस्कृति की सीख रही है। इस सृष्टि में हर जीव हमारे परिवार का हिस्सा है, फिर चाहे वो चीनी क्यों ना हो। इस परिस्थिति में कोरोना की वजह से चीनी लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपितु भारत ने विश्वगुरु के नाते परिवार का हिस्सा मानकर पहल कर समस्या का समाधान देना चाहिए। इस सृष्टि में मानव के अलावा भी हजारों सालों से लाखों करोड़ों जीवाणु विषाणु अस्तित्व में है और आगे भी रहने वाले हैं। आप चाहे उसे जो नाम दे दे, लेकिन सच तो यह है कि आपके आरोग्य को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कमजोर ना हो जाए। भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद का उद्देश्य भी स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी निरोगी व्यक्ति के आरोग्य की रक्षा और रोगी के रोग को दूर करना। आज जो कोविड-19 नामक विषाणु जागतिक महामारी का रूप ले रहा है, इसे आयुर्वेद में जनोपध्वंस कहा गया है। इसका मूल कारण अधर्म आचरण बताया गया है। अधर्म का आचरण अर्थात शास्त्र का पालन न करना। शास्त्र में बताए गए सद्गुरु और स्वास्थ्य रूप के आदेश का पालन न करने से हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अधर्म आचरण से वायु, जल, देश और काल आदि भाव दूषित होकर जनपद का विनाश करते हैं। यह उत्पन्न हुई त्रासदी अधर्म आचरण जन्य ही है, इसीलिए इसे मानव निर्मित कहना अनुचित नहीं होगा। आयुर्वेद शास्त्र में सद्रुत यानी वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में आचरण के नियम और स्वस्थ रूप में दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि निरोगी रहने के उपायों के बारे में वर्णन किया गया है। इन नियमों का पालन करके कोविड-19 जैसे जनोपध्वंस करने वाली त्रासदियों से बचा जा सकता है और निरोगी एवं आनंदमय जीवन व्यतीत किया जा सकता है। इस विषाणु पर चल रहे अध्ययन को मद्देनजर रखते हुए इसका भारत के वातावरण में ज्यादा समय टिक पाना संभव नहीं है। सामान्यतः जिस प्रकार अन्य विषाणु संक्रमण से मनुष्य में सर्दी, खांसी, बुखार उत्पन्न होता है, लगभग उसी प्रकार कोविड-19 नामक विषाणु से विकार उत्पन्न हो रहे हैं। भय का वातावरण निर्माण ना करते हुए रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने और वातावरण को संतुलित रखने के लिए भारतीय नस्ल की गाय मदद कर सकती है, जिसे हम गोमाता कहते हैं। गोमाता से प्राप्त पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का चिकित्सकीय महत्व आयुर्वेद में विष द्रव्य शोधन, आहार और औषधि के लिए बताया गया है। आधुनिक विज्ञान के दृष्टि से भी इसका महत्व प्रतिपादित किया गया है, परंतु दुर्भाग्यवश संकीर्ण मानसिकता से इसका महत्व समाज में प्रस्तापित नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोरोना का संक्रमण संकीर्ण मानसिकता देखकर नहीं होता है, इसलिए मानसिक संकीर्णता के भाव से ऊपर उठकर अमृत तुल्य पंचगव्य आयुर्वेद आधारित सामान्य उपाय अपनाएं और प्रचार प्रसार करें। नंबर 1, अपने घर में नियमित रूप से गोबर के कंडे पर घी, नीम, तुलसी के पत्ते डालकर धूपन करें। हमारे भारत में अग्निहोत्र यज्ञ की परंपरा रही है। आयुर्वेद में धूपन पद्धति का वर्णन किया गया है तथा वैज्ञानिक दृष्टि से इसका महत्व प्रतिपादित हो चुका है। नंबर 2, नियमित रूप से गोमूत्र और नीम के पत्ते नहाने के पानी में डालकर नहाएं। नंबर 3, देसी गाय का घी 1-2 बूंद नाभि में डालकर अनामिका नामक उंगली से पहले दाएं मींस राइट, फिर बाएं मींस लेफ्ट मालिश करें। आयुर्वेद में इसे नाभि पूरन कहते हैं। इससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। देसी गाय का घी नाक में 2-2 बूंद नियमित रूप से डालें। आयुर्वेद में इसे नस्य कहा गया है। इससे अधिक लाभ होगा। नेक्स्ट, 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर उबालने के बाद 1 चम्मच गुड़ डालकर गर्म दूध नियमित सेवन करें। दूध को आयुर्वेद में बल बढ़ाने वाला कहा है। इसको महर्षि वाग्भट ने अपने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ में वर्णन करते हुए कहा है, अत्र गव्यम तु जीवनीयम रसायनम। और रही बात आयुर्वेद की हल्दी की, उसे वैज्ञानिक एंटीबायोटिक सिद्ध कर चुके हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप आयुर्वेद की ऐसी ही जानकारी पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। उम्मीद करता हूं आपने अपने करीबी दोस्तों को ये वीडियो किसी और के सेंड करने से पहले सेंड किया होगा। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आयुर्वेद की एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।